नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आप सबके पसंदीदा चैनल पे। आज आप लोगों के बीच बहुत ही खास और जबरदस्त खबर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं कुछ एक्ट्रेस के बारे में बताऊंगा, बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में, और आखिरकार आज आप लोगों को बताऊँ कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी पढ़ाई लिखाई कितने तक इन्होंने पढ़ाई कराया है, वो आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें और आप लोग ये जरूर कमेंट करके बताना वीडियो के अंत में कि इसमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आखिरकार कौन सी हीरोइन सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। सबसे पहले जिस हीरोइन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, इनका नाम दिशा पटानी है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप लोग इनको जानते होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और टाइगर श्रॉफ के साथ इनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे अगर बात किए तो पहले टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, उसके बाद बहुत सारी फिल्मों इन्होंने करा और सारी फिल्म इनकी ब्लॉकबस्टर हुई, साथ में इनकी खूबसूरती को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ही खतरनाक एक्शन ये एक्ट्रेस होकर करती हैं, बहुत ही जबरदस्त एक्शन करती हैं। चलिए अगर अब इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए, इनके एजुकेशन के बारे में बात की जाए, तो फ्रेंड्स उन्होंने बीटेक किया था और सेकेंड ईयर में अपना बीटेक छोड़ दिया था, यानी 10th 12th करने के बाद ये बीटेक कर रही थी। और अगर इनकी बीटेक के बारे में बात की तो सेकेंड ईयर तक इन्होंने किया था, थर्ड ईयर में कंप्लीट होता है बीटेक और सेकेंड ईयर होने के बाद इन्होंने अपना बीटेक छोड़ दिया था, बीटेक वहीं पे छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने मॉडलिंग ज्वाइन की और आज बॉलीवुड की बहुत ही नामी एक्ट्रेस हैं। अब बात करेंगे आप लोग के बीच सोनम कपूर के बारे में। अगर सोनम कपूर की क्वालिफिकेशन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिफिकेशन है। ये बैचलर ऑफ आर्ट्स से इन्होंने इकोनॉमिक्स किया और पॉलिटिकल साइंस किया, यानी ये ग्रेजुएट हैं फ्रेंड्स, और पॉलिटिकल साइंस से भी ग्रेजुएट हैं और इकोनॉमिक्स से भी ग्रेजुएट हैं। तो अगर सोनम कपूर की एजुकेशन की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी खासी इनकी डिग्री है, अच्छी खासी पढ़ाई किया है सोनम कपूर ने। अब बात करेंगे आप लोग के बीच कियारा आडवाणी के बारे में। कियारा आडवाणी के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये भी बॉलीवुड में है और लोग इनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कबीर सिंह में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी हैं कियारा आडवाणी, तो लोग इनकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं कियारा आडवाणी के बारे में बात करूँ, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ, इनकी एजुकेशन के बारे में बात करूँ, तो ये ग्रेजुएशन है मास कम्युनिकेशन से, ये ग्रेजुएट हैं और इनकी भी पढ़ाई बहुत ही अच्छी खासी है। अब बात करेंगे आप लोग के बीच प्रणति चोपड़ा के बारे में। प्रणति चोपड़ा के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो इनकी भी क्वालिफिकेशन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया है और इनकी पढ़ाई के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये ग्रेजुएट हैं बिजनेस फाइनेंस से, ये ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन इन्होंने किया है बिजनेस एंड फाइनेंस से, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और इनकी जो पढ़ाई वो बहुत ही अच्छी है। इनकी जो परसेंटेज वगैरह थी पढ़ाई में वो स्टार्टिंग से बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया थी, पढ़ने लिखने में बहुत ही पहले से बहुत ही अच्छी थी प्रणति चोपड़ा। और प्रणति चोपड़ा के बारे में बात की जाए तो बॉलीवुड में बहुत ही नामी एक्ट्रेस हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, साथ में इनकी एक्टिंग को, इनकी खूबसूरती को बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब बात करेंगे आप लोग बीच आलिया भट्ट के बारे में। अगर आलिया भट्ट के बारे में बात की जाए तो आलिया भट्ट की खूबसूरती को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फ्रेंड्स, और इनकी एक्टिंग को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो इनकी क्वालिफिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, ये 10th फेल है। और बात की जाए जब 10th फेल इन्होंने पहली बार करा था, जब 10th इन्होंने पास किया तो फिर 12th में फेल कर गई, उनके बाद ये इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद अगर बात की जाए तो अभी एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए तो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो क्वालिफिकेशन इनकी इतनी अच्छी नहीं रही है आलिया भट्ट की। अब बात करेंगे आप लोग के बीच श्रद्धा कपूर के बारे में। अगर श्रद्धा कपूर के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स और इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए, तो इन्होंने पहले 10th करा, फिर 12th करा, उनके बाद ग्रेजुएशन के बारे में बात की जाए तो ये साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन एक साल में इन्होंने ग्रेजुएशन छोड़ दिया, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। 1 ईयर में ही, 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, लेकिन इन्होंने 1 ईयर में ही, 1 साल में ही छोड़ दिया और साइकोलॉजी से ये ग्रेजुएशन कर रही थी श्रद्धा कपूर। अब बात करेंगे आप लोग बीच करीना कपूर के बारे में। करीना कपूर के बारे में बात की जाए फ्रेंड, तो ये ग्रेजुएट हैं और ये आर्ट से ग्रेजुएट हैं। अगर बात की जाए इनके बारे में तो बॉलीवुड की बहुत ही नामी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी इतनी फिल्में नहीं करती हैं, लेकिन एक समय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी करीना कपूर, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे इनकी एक्टिंग के कारण। और अभी इनके बारे में बात किया तो अभी ये फिल्में दुनिया में उतना नहीं दिखती। इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो ये ग्रेजुएट हैं ये आर्ट से। अब बात करेंगे आप लोग के बीच सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। अगर सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो इनकी भी क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी है। और अगर इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ, सोनाक्षी सिन्हा के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये भी ग्रेजुएट हैं फैशन से ही, अगर इनके बारे में बात की तो फैशन से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। और अगर इनके बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो इन्होंने पहले 10th किया, फिर पॉलिटेक्निक किया, उनके बाद इनके ग्रेजुएशन के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो फैशन डिग्री से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। अब बात करेंगे आप लोग के बीच कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो इनकी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th स्टैंडर्ड है, और 12th स्टैंडर्ड्स के बारे में बात किया तो 12th स्टैंडर्ड से इन्होंने आगे पढ़ाई नहीं किया।
और वैसे अगर एक्ट्रेस की बात की जाए तो बॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा नामी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। अगर इनकी एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती को इनको इनकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इनकी एक्टिंग को तो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के बीच दीपिका पादुकोण के बारे में। दीपिका पादुकोण के बारे में बात किया तो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स से ये ग्रेजुएट हैं और इनकी जो बात की जाए कार्मल कॉलेज से इनकी पढ़ाई हुई है और इनकी भी क्वालिफिकेशन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया है। ये भी ग्रेजुएट हैं और आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के बीच अनुष्का शर्मा के बारे में। अगर अनुष्का शर्मा के बारे में बात की जाए तो अनुष्का शर्मा ने आर्मी कॉलेज से, आर्मी स्कूल से पहले अपनी टेंथ पास किया, ट्वेल्थ किया, वहाँ से उसके बाद अगर बात किया तो कार्मल कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ये भी आर्ट से ग्रेजुएट हैं। सोनाक्षी सिन्हा की भी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की तो बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि स्टार्टिंग से इनकी परसेंटेज वगैरह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया रही है। अब बात करेंगे आप लोगों के बीच कैटना कैप के बारे में। अगर कैटना कैप के बारे में बात किया तो कैटना कैप की अगर एजुकेशन के बारे में बात किया तो इन्होंने टेंथ तक पढ़ाई किया है और उससे ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई नहीं किया। और अगर इनके बारे में बात किया तो बॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा नामी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और बात किया तो बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं। और इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो टेंथ है। अब बात करेंगे आप लोगों के बीच प्रियंका चोपड़ा के बारे में। प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात किया तो बॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस हैं, वैसे अभी ज़्यादा फिल्में नहीं करती हैं क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है और ये इंडिया में रहती नहीं है। और प्रियंका चोपड़ा के बारे में अगर बात की जाए फ्रेंड्स, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो ये ट्वेल्थ पास हैं और ये जब ट्वेल्थ पास इन्होंने किया था उसी साल 2000 में ये मिस यूनिवर्स भी बनी थी। उसके बाद अगर इनकी पढ़ाई के बारे में बात की जाए, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। अगर इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यानी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक इन्होंने पढ़ाई किया है। और फ्रेंड्स तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि इस लिस्ट में आपकी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है और सबसे अच्छी आपको पढ़ाई कौन से एक्ट्रेस की लगी। मैं फिर मिलूंगा आप लोग से अपने दूसरे वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।